गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन मैं दलपत सिंह चौहान आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब की इन ऑनलाइन क्लास के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक है एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि फ्रांस के अंदर जो सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट जो एक आपके जो सोशल रिफॉर्म हुआ था वो था जैकोबियन गवर्नमेंट के टाइम में हुआ था। जैकोबियन गवर्नमेंट के टाइम के अंदर फ्रांस के अंदर क्या हुआ था कि स्लेवरी को जो है वो पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया था। फ्रेंच कॉलोनीज के अंदर जो स्लेवरी वाला जो सिस्टम चलता आ रहा था काफ़ी लंबे टाइम से, उसको पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया था। देखिए, होता ये था कि फ्रांस के अंदर कुछ कैरेबियन कॉलोनीज थी, ठीक है, जैसे कि मार्टिनिक, गोरेलो और सेंट डोमिंगो। ये जो तीन एरिया जो थे ये वो एरियाज थे जहाँ से पूरे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर और वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज के अंदर टेम्बाकू, इंडिगो, सुगर और कॉफ़ी की सप्लाई अच्छी खासी क्वांटिटी में होती थी और ये कैश क्रॉप थी। इससे काफ़ी अच्छी खासी इनकम जो है वहाँ की गवर्नमेंट को और वहाँ के जो ट्रेडर्स थे उनको हो पाती थी। लेकिन यहाँ पे जो बड़े बड़े जो बागान थे, बड़े बड़े जो आपके एस्टेट थे, तो यहाँ पे काम करने में जो वहाँ के लोकल लोग जो थे, जो यूरोपियन ही थे, फ्रांस के लोग ही थे, वो इंटरेस्टेड नहीं थे। रीज़न उसका क्योंकि इन एरियाज में काम करने के लिए हर किसी को अपनी फैमिलीज वगैरह, अपना एरिया वगैरह छोड़ के इन खेतों में आकर यहाँ पे काम करना होता था और यूरोपियन जो है वो ये चीज़ करना नहीं चाहते थे। तो इसकी वजह से क्या होती थी कि वहाँ पे हमेशा लेबर की शॉर्टेज बनी रहती थी, तो ट्रेडर्स इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसी शॉर्टेज को कंप्लीट करने के लिए एक नया ट्रेड सामने आया जिसको जाना जाता है स्लेव ट्रेड के अंदर। देखिए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो है एक्चुअली क्या होता था कि वहाँ से जो है ट्रेडर्स वगैरह है या वहाँ से जो रिच लोग वगैरह जो थे वो क्या करते थे कि गरीब लोगों को या जो वहाँ के जो अफ्रीकन लोग जो थे उनको पकड़ के जबरदस्ती उनको बंधक बना के या जबरदस्ती उनको स्लेव बना के जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में उनको भेज दिया करते थे। तो यूरोपियन, अफ्रीका और अमेरिका, इनके बीच में एक तरह से बहुत सारा ट्राइंगलर स्लेव ट्रेड जो चलता था। यानी ये तीनों ही कंट्री जो है स्लेव जो है अपने अमेरिका और यूरोप जो है अपनी डिमांड जो है आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जो है वो कंप्लीट करते थे अपने स्लेवरी की। अब 17th सेंचुरी के आसपास जो है ये बताया जाता है कि ये स्लेवरी जो ट्रेड है वो स्टार्ट हुआ था। फ्रेंच जो मर्चेंट जो थे वो क्या करते थे कि दो सिटीज हुआ करते थे, एक तो था आपके बॉर्दे और दूसरा थे आपके नांते। ये दो जो सिटीज थे जो अफ्रीकन कोस्ट वहाँ से, ये जो फ्रांस के ये दो जो सिटीज थे ये एक्चुअली क्या थे, कोस्टल पॉइंट थे, पोर्ट्स थे ना फ्रांस के अंदर। तो यहाँ पर जो है अफ्रीका से जो है आपके बहुत सारे स्लीव्स वगैरह यहाँ पे जो है ट्रेडर्स वगैरह लेके आते थे। अब वो जब लेकर आते थे तो ये जो फ्रेंच मर्चेंट्स जो है वो इन स्लीव्स को जो है जो भी ट्रेडर्स वगैरह या जो भी चीफ्टन जो भी लेके आ रहे हैं उनको उनके पास में से खरीद लिया करते थे। देखिए, ये सारे बिजनेस तो और ये सारे प्रैक्टिस तो फ्रांस के अंदर चल ही रही थी। लेकिन उसी टाइम में जैसा कि हम जानते कि फ्रांस के अंदर जो है रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट भी आई थी और वहाँ की पब्लिक ने भी काफ़ी सारे जो है ह्यूमंस के राइट के लिए जो है वो काफ़ी सारा वर्क भी कर रहे थे। तो कुल मिला के जो है वहाँ की पब्लिक जो थी और वहाँ के कई सारे पॉलिटिकल लोग भी जो थे 18th सेंचुरी के आसपास में इस प्रैक्टिस को, इस स्लेवरी ट्रेड को जो है क्रिटिसाइज करना उन्होंने शुरू किया फ्रांस के अंदर। नेशनल असेंबली जो सबसे पहले जो गवर्नमेंट बनी थी उन लोगों ने भी जो है अपने यहाँ पे जो असेंबली के अंदर है इस चीज़ पे डिबेट करना स्टार्ट किया कि ये जो स्लेवरी वाले स्लेवरी में जो भी पर्सन है उनको राइट दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए, ऐसी कॉलोनीज के ऊपर बैन लगाने चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर भी वो डिस्कशन वगैरह उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन कोई भी उनमें से किसी भी इस गवर्नमेंट ने लॉ पास नहीं किया था इसके अगेंस्ट में। रीज़न इसका बिल्कुल एक ही था क्योंकि वो डरते थे कि वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं या वहाँ के जो आपके जो
बड़े बड़े प्लांटेशन ओनर है वो कहीं इस चीज़ से नाराज नहीं हो जाए, और फ्रांस की काफ़ी कुछ इकोनॉमी की इकोनॉमी जो है इनके ऊपर इसी स्लेव ट्रेड के ऊपर डिपेंड भी करती थी, तो किसी ने भी लॉ वगैरह इसमें बनाया नहीं। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जब कन्वेंशन गवर्नमेंट बनी 1794 के अंदर, तो उन्होंने बिल्कुल साफ ही जो है इस स्लेव ट्रेड को जो है बिल्कुल क्रिटिसाइज, ना सिर्फ क्रिटिसाइज किया बल्कि इसको पूरी तरह से बैन भी कर दिया, और जितने भी स्लेव थे उनको फ्री कर दिया। ठीक है, और ठीक है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये जो कन्वेंशन गवर्नमेंट हुई थी इसके ये जो बिल वगैरह जो भी इन्होंने पास किया था, ये जो भी चीज़ हुई थी, ये लंबे टाइम तक नहीं रह पाया, क्योंकि आने वाले 10 सालों के बाद के अंदर ही ये स्लेव सिर्फ 10 सालों तक ही आज़ाद रह पाए। जब नेपोलियन वापस आपके पावर में आता है तो उसने वापस स्लेवरी ट्रेड को जो है रीइंट्रोड्यूस कर दिया, प्लांटेशन ओनर जो है उन लोगों को भी जो है ये आपके फ्रीडम दे दिया कि वो अफ्रीका वगैरह जाके निग्रोज को इन लोगों को जो है स्लेव बना सकते हैं। लेकिन फाइनली जो है स्लेवरी जो है आपके 1848 के अंदर फ्रांस के अंदर पूरी तरह से एबॉलिश हो पाई। तो ये उतार चढ़ाव रहा स्लेवरी वाले सिस्टम का। आज अब हमारा अगला टॉपिक है द रिवोल्यूशन ऑफ द एवरीडे लाइफ। कोशिश करेंगे कि आज हम ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट कर देवे, तो ज्यादा ये कुछ बड़ा है नहीं, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। देखिए कि 1789 के अंदर फ्रांस के अंदर जो है बहुत सारे चेंजेस वगैरह देखने को मिले। ठीक है, अब पॉलिटिकल मैंस वुमेंस जो है और चिल्ड्रंस जो है, अब इनको जो है कई सारे पॉलिटिकल स्टार्टिंग में तो नहीं मिले थे, लेकिन बाद में जो है पॉलिटिकल राइट्स इन लोगों को भी मिलने लगे। अब जो है पहले क्या होता था कि अगर कुछ भी आपको अपनी न्यूज़पेपर में या आपकी बुक के अंदर या आपकी मैगजीन के अंदर कोई भी अगर आपको कुछ भी छापना होता था या कुछ भी लिखना होता था, तो ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग क्या होता था कि आपके आपके जो रिटर्न जो भी मटेरियल है या आपकी जो भी कल्चरल एक्टिविटीज है, जैसे कि बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, प्लेस हो गए, कुछ भी चीज़ जो परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं या कुछ भी चीज़ पब्लिश करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ से पहले किंग की परमिशन लेनी पड़ती थी, यानी एक तरह से सेंसरशिप वगैरह हुआ करती थी। लेकिन 1789 के अंदर जब किंग के पावर को लिमिट कर दिया गया और जब वहाँ पे रिवोल्यूशनरी सबसे पहली जो गवर्नमेंट आई, तो उसने इस सिस्टम को जो चेंज कर दिया, यानी कि सेंसरशिप को पूरी तरह से अपॉलिश कर दिया। यानी 1789 के अंदर आपके फ्रांस के अंदर सेंसरशिप जो थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अब मेंस जितने भी मैन वगैरह जो थे उन लोगों को जो है आपके पास वहाँ का फ्रांस का जो सिटीजन है वो डिक्लेयर किया गया, और साथ साथ में उनको जो जैसे कि फ्रीडम ऑफ द स्पीच के राइट जो है उनको दिए गए। अब इसका नतीजा ये रहा कि न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स और प्रिंटेड पिक्चर वाली जो बुक्स वगैरह जो थी मार्केट के अंदर, उनकी एक तरह से बाढ़ आ गई। लोग जो है ना अब मतलब कि सारे आज़ाद हो गए थे, हर कोई जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट क्या कर रही है उनको क्रिटिसाइज भी करना है तो भी वो लिख पा रही थी, कंट्री के अंदर क्या चीज़ें हो रही है, तो हर तरह से मतलब कि वो फ्री हो गए थे। तो पूरे कंट्री और कंट्री के हर एरिया के अंदर ऐसे कई सारे लोगों की ऐसे कई सारे राइटर्स, ऐसे कई सारे एडिटर्स वगैरह वहाँ पे एकदम से निकल आए, क्योंकि अब उन लोगों को सेंसरशिप का कोई डर नहीं था और वो बिल्कुल बेधड़क जो है वो जो चाहते थे वो लिख पाते थे। साथ ही साथ में अब क्या होने लगा कि अब एक नया वक्त सामने आया। एग्जांपल के लिए अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम के अंदर जो पॉलिटिकल हमारा लीडर रहता है, तो वो अगर अपना कोई मैसेज, वो अपना कोई आइडिया, वो अपना अगर व्यू पब्लिक तक पहुंचाना चाहता है तो वो क्या करता है, मल्टीमीडिया का या मीडिया प्रिंट मीडिया का सहारा लेता है। तो सेम चीज़ वहाँ पर भी होने लगी। हर पर्सन जो था वो अपनी साइड को कन्विंस करने के लिए, अपनी साइड को दूसरे लोगों के पब्लिक को कन्विंस करने के लिए प्रिंट मीडिया को जो है उन्होंने आपके आधार बनाया। और प्रिंट मीडिया के अलावा उन लोगों ने प्लीज सॉन्ग और अलग अलग जो फेस्टिवल पे तो अलग अलग तरह के प्रोग्राम वगैरह करके बहुत सारे लोगों को जो अट्रैक्ट करने की उन लोगों ने कोशिश की। इस तरह से क्या हो पाता था कि एक ही बार के अंदर जो है वो अपने ज़्यादा मैसेज जो है लोगों तक पहुँचा पाते थे।
सबसे बड़ा रीजन देखिए इसमें एक और देखने में आया कि प्रिंट मीडिया फिर भी इतना सक्सेस नहीं हुआ जितना सक्सेस प्लेस सॉन्ग्स और फेस्टिवल जो ये हो पाए। रीजन इसका ये था कि उस समय फ्रांस के अंदर बस कुछ लोग ही, बहुत कम लोग जो थे वो एजुकेटेड थे, तो हर किसी के लिए न्यूज़पेपर को पढ़ पाना या समझ पाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो ऐसे लोग जो है प्लेज और सॉन्ग्स इनके थ्रू ही कोई भी मैसेज को ले पाते थे और समझ पाते थे। तो ऐसे लोगों के इस टाइम में जो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेज सॉन्ग्स और फेस्टिवल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट वगैरह वहाँ पे किए जाते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे दिए जाते थे। तो इस तरह से जो है एक जो है लोगों तक मैसेज पहुँचाने का नया तरीका जो सामने आया, जो कि काफ़ी आगे जाके प्रॉस्परस भी हुआ था। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि 1789 में सेंसरशिप जो थी वो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है वो ख़त्म कर दी। सेंसरशिप ख़त्म होने से क्या हो गया कि बुक्स न्यूज़पेपर प्लेस वगैरह जो है इनका जो है बिल्कुल रास्ता साफ हो गया। अब हर कोई बुक्स न्यूज़पेपर वगैरह ये लिख पा रहे थे, लोगों ने जो है अपने मैसेज जो है न्यूज़पेपर के थ्रू, पैम्पलेट के थ्रू, बुक्स के थ्रू, प्रिंटेड पिक्चर के थ्रू जो है बहुत सारे लार्ज ग्रुप तक पहुंचाए। जो लोग एजुकेटेड नहीं थे, जो इनके एजुकेशन की कमी थी, पढ़ नहीं पाते थे, तो उन लोगों के लिए प्लेज सॉन्ग्स और फेस्टिवल्स जो है इस तरह से जो है मैसेज लोगों तक पहुंचाए जाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें करी थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और पता चल रहा है कि उस समय तक यूरोप फ्रांस के अंदर लोगों की एजुकेशन अच्छी नहीं थी। तो कुल मिला के इस वाले पैराग्राफ का ये जो मीन था। तो अब हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होने की तरफ आ गया है। तो देखिए 1804 के अंदर जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो होता है वो फ्रांस का एम्परर बनता है। और जब वो फ्रांस का एम्परर बनता है तो आसपास की जो फ्रांस के आसपास जो छोटी मोटी यूरोपियन कंट्रीज थी जो कि थोड़ी सी वीक थी, उनके ऊपर ये कॉन्कर यानी उनको ऊपर अटैक करके उनको भी अपने फ्रांस के अंदर मिला लेता है, यानी फ्रांस को बड़ा कर देता है। और आसपास के जो वीकर जो किंग वगैरह जो थे उन डायनेस्टीज वगैरह को वहाँ पे हटा के वो क्या करता है कि वहाँ पर अपनी फैमिली मेंबर को जो है वहाँ पे वो प्लेस कर देता है बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर। यानी कुल मिला के अपनी फैमिली को ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देता है, अपने फेवर के लोगों को वो आगे जाके सीटें वगैरह दिलवाता है। नेपोलियन जो है वो अपने आप को यूरोप का मॉडर्नाइजर समझता था। उसने क्या किया कि उसने कई सारे नए लॉज जो थे वो इंट्रोड्यूस किए उसके अंदर से। जैसे एक लॉ था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन का जो लॉ है उसने बनाया। पूरे कंट्री के अंदर एक ही वेट सिस्टम और एक ही मेजर सिस्टम जो है जो कि डेसिमल सिस्टम के ऊपर आपके पूरी तरह से डिपेंड था, उसको जो है पूरी कंट्री में इसे लागू किया। शुरुआत में इनिशियली जो है फ्रांस के लोग और दूसरी कंट्री जहाँ पे इसको पर लोग पसंद कर शुरू में काफ़ी इसको नेपोलियन को काफ़ी पसंद किया जाता था। हर कोई इसको एक लिबरेटर यानी कि अपने एक तरह से मुक्तिदाता वहाँ के लोग इसको समझते थे। लेकिन जल्द ही ये भ्रम उनका दूर हो गया। अब नेपोलियन को जब कुछ ही समय के बाद नेपोलियन की जो आर्मी थी उनको इस तरह से देखा जाने लगा कि ये लुटेरे हैं, ये आते हैं सब बर्बादी वगैरह करते हैं, तो इन्वेडिंग फोर्स के रूप में इनको दिया जाने लगा। इसी का नतीजा ये रहा कि नेपोलियन जो है वो वाटरलू की जो फाइट थी 1815 के अंदर हुई थी उसके अंदर ये हार जाता है। हालांकि वो तो वाटरलू की वॉर में हार जाता है, लेकिन उसने जो मेजर्स लगाए थे, उसने जो नए रिवोल्यूशनरीज आइडियाज वगैरह जो लगाए थे वो उसकी डेथ के बाद में भी काफ़ी लंबे टाइम तक जो है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो काफ़ी लंबे टाइम तक उसका उसने असर छोड़ा था। फ्रांस में चाहे कुछ भी हुआ हो, फ्रांस का इतिहास चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन एट लास्ट भी पूरे वर्ल्ड को लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट के लिए उनको जगाने का काम जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन ने बहुत अच्छे से किया। फ्रांस के अंदर जो रिवोल्यूशन वगैरह हुए, जो 19th सेंचुरीज में जो आप रिवोल्यूशन वगैरह हुए, तो इन सब रिवोल्यूशंस ने कहीं ना कहीं इंडिया के रिवोल्यूशंस को और इंडिया के अंदर कई सारी चीज़ों को जो है जगाने में या फ्रीडम फाइट है जो इसको चलाने में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प की। अगर हम देखे जाएं सीधे सीधे तो एक तो राजा राम मोहन राय थे,
ठीक है ना, एक थे टीपू सुल्तान। तो ये भी जो है फ्रांस की इन रिवोल्यूशनरी जो एक्ट थे, इन रिवोल्यूशनरी जो चीज़ें थी, इनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और आने वाले टाइम हमारे जितने भी क्रांतिकारी वगैरह जो हुए, ठीक है, जो और इंडिया के अंदर जिन्होंने फ्रीडम जो है आपके रिवोल्यूशन वगैरह के लिए फ्रीडम फाइट जिन्होंने जो की, तो उन वो भी जो है फ्रांस रिवोल्यूशन से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। और आप ये समझ चुके होंगे कि सबसे बड़ा जैसे कि एक आपके स्लेवरी सिस्टम था उसको भी बंद करने का जो सबसे पहले स्टेप, बड़ा स्टेप जो है आपके फ्रांस में उठाया गया था। और आगे जाके ये जो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये डिमांड बन गए। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आशा करूँगा आप सभी को समझ में अच्छे से आया होगा। अगर कहीं भी कुछ गलती हुई तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं जरूर, ताकि अगली बार मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। थैंक यू वेरी मच।